ये बाबा विधि बंटा स्पीडर पब्लिक को सलाम करता है। स्पीडर ने ये वीडियो में लाई है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड रहेगी भाई माइक्रो पिगमेंटेशन। अब माइक्रो पिगमेंटेशन का जो कि आपको दोस्तों बता दूं कि क्या है, ये एक तो साइंटिफिक वर्ड है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ट्रांसप्लांट से क्या रिलेट करता है, जो कि जानने के लिए देखिए दोस्तों ये पूरा वीडियो। इसमें जो कि मैंने बताई है कि प्रोसीजर के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कॉस्ट क्या है, कैसे होती है, क्या होती है, टोटल इन्फॉर्मेशन जो कि दी है आपको बहुत ही पसंद आएगी। इन्फॉर्मेशन जरूर मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, जिनको पसंद आएगी भाई लाइक जरूर ठोक देना वीडियो पे, ठीक है। तो भाई माइक्रो पिगमेंटेशन होता क्या है, माइक्रो पिगमेंटेशन के आपने कई लोगों ने पढ़ा भी होगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जिनके भाइयों ने, उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा भाई। माइक्रो पिगमेंटेशन ऐसा कुछ बहुत बड़ा गुना खच्चर खाजा की एकदम बहुत बड़ी सी सर्जरी नहीं है, सिंपल एकदम टैटूइंग प्रोसीजर है। जैसे अपन बॉडी में टैटू वैटू बना लेते हैं, जैसे टैटू वैटू बनाते हैं वैसे टैटू की प्रोसीजर है। फिर भाई टैटू का और अपने हेयर ट्रांसप्लांट का रिलेशन क्या है, मेल मिलाप क्या है भाई बता दूं मैं आपको कि देखो कैसा रहता है। हेयर ट्रांसप्लांट में अपना डोनर एरिया निकालते हैं, आगे फिक्स किया जाता है, एपयूटी एपयूवी मेथड्स रहते हैं। फिर माइक्रो पिगमेंटेशन में ऐसा अलग क्या होता है मैं बता दूं दोस्तों, माइक्रो पिगमेंटेशन में जो कि आपके सर में जो कि टैटू बनाया जाता है, थोड़ा सा अमेजिंग है, थोड़ा सा अलग है ना भाई। आपको बता दूं ये अलग इसलिए है क्योंकि ये प्रोसीजर है दोस्तों की परमानेंट प्रोसीजर है। तो देखो इसको ना कोई शैम्पू की जरूरत है, ना किसी केयर की जरूरत है, बस टैटू बना लो और जिंदगी भर बालों के साथ रहो, बूढ़े हो जाओ, मरने तक अपनी अर्थी तक की बात रहेंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ भाई। मेंटेनेंस बस थोड़ा सा रहता है कि वो टैटू अगर थोड़ा सा ब्लर हो जाए तो उसको जो कि रिपेयर करवा लो, उसको रिपेयर टैटूइंग बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही जो कि उसका प्रोसीजर रहता है। आपको बता दूं क्या क्या रहते हैं फायदे और नुकसान, जो कि मैं जो कि पढ़ के भी भाई थोड़ा भूल जाता हूँ उम्र के हिसाब से। और भाई आपको बता दूं, आपको लगेगा स्पीड गाय का होलिया तो आज एकदम जबरदस्त लग रहा है, कैमरा मैन थोड़ा दिखा रहे हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो देख लीजिए इन्फॉर्मेशन मैंने क्या क्या निकाली भाई, माइक्रो पिगमेंटेशन के फायदे क्या है देखो पढ़ के बता रहा हूँ मैं। ये जो कि एक दिन की प्रोसीजर रहेगी, इसमें जो कि किसी प्रकार का पेन नहीं होगा आपको, आपके इसमें इस प्रोसीजर में जो कि डोनर एरिया आपको खत्म नहीं होगा, डोनर एरिया भी वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो आपका बॉल्ड एरिया है वहां पे बारीक बारीक टैटू किया जाएगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, देखो अभी ये वीडियो चल रही है, आप देखो दोस्तों किस प्रकार जो की है टैटूइंग किए जा रहे हैं अपने स्कैल्प पे, और जो कि अपना बॉल्डनेस लोग किस प्रकार भी हाइड कर सकते हैं। ये हालांकि बाहर कंट्री में ज्यादा होता है क्योंकि इंडिया में तो चाहिए भाई तेरे नाम वाले बाल, ठीक है, और बाहर कंट्री में जो कि अलग अलग फैशन बना के लोग घूम सकते हैं, तो उनके लिए ये नहीं रहेगा जिन लोग को तेरे नाम बाल चाहिए, ये उनके लिए रहेगा जो मॉडल वॉडल बनना चाहते हैं, बॉडी बॉडी जॉनी सिंह की जैसी है तो भाई जॉनी सिंह की नहीं, बॉडी तो बहुत लोगों की है। तो मैं बता दूं दोस्तों उस प्रकार जो कि आपको लुक रखना का बॉड लेकिन बाल है, तो इस प्रकार की आप जो कि ये प्रोसीजर करवा सकते हो। आगे बता दूं मैं सत्यनारायण की गाथा जो कि है भाई वेरी नेचुरल लुक, इसमें लुक रहेगा दोस्तों बहुत ही नेचुरल रहेगा। मैं तो कहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट जो प्रोसीजर है उससे भी थोड़ा बहुत जो कि नेचुरल रहेगा, और फिर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट जो कि टैटू मास्टर है, जो भी आपका प्रोसीजर करने वाला रहेगा वो कितना एक्सपर्ट है उस पर डिपेंड करता है, आपकी कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर ये परमानेंट रहती है दोस्तों, नो नीड ऑफ मेंटेनेंस, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टैबलेट एक्सेट्रा, नो नीड ऑफ, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको कोई टैबलेट वैबलेट लेने की, डॉक्टर के पास जाने की, इंजेक्शन लेने की, टीटी का इंजेक्शन, एंजोफ्लेम लेने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के टैटू बना के आओ, मस्त लुक बना के घूमो, ठीक है। और फिर देखिए दोस्तों मैक्सिमम डेंसिटी का जिनको सवाल रहता है कि किस प्रकार की डेंसिटी चाहिए, वो अपने हिसाब से जो कि डेंसिटी भी इसमें पा सकते हो, जैसे आपका डोनर एरिया बचा हुआ है उसके हिसाब से आप डेंसिटी जो कि आपकी ला सकते हो, क्योंकि उसको बोलने का है कि मेरे जो एग्जिस्टिंग हेयर्स थे पहले वाले, क्योंकि आप भले ही गंदे हो जाओ लेकिन बारीक बारीक गड्ढे तो दिखते हैं, वो गड्ढों के ऊपर भी आप टैटू बना लेते हो तो वो डेंसिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। वन डे प्रोसीजर रहती है दोस्तों, नो नीड ऑफ एनी डाइट प्लान, कोई डाइट प्लान फॉलो करनी नहीं है, सुबह नहीं उठना है, नीम के पत्ते नहीं, नींबू नहीं पीसना है, ना आंवला खाना है, बस अपनी डेली रूटीन जैसी रहती है, हड्डी वड्डी तोड़ो और जो की है दाल राइस खा के अपनी लाइफ जियो,
कोई किसी प्रकार की डाइट इसमें जरूरी नहीं है। फिर इजी टू वियर, अच्छा अभी देखो हेलमेट कैप वैप जो भी आपका जो युद्ध का पहनने वाला हेलमेट कुछ भी पहन लो आप, क्योंकि इसकी कोई चिंता नहीं है, कुछ भी पहन लो आप, जैसे भी हो वैसे घूम सकते हो आप। किसी का फील्ड वर्क रहता है फील्ड वर्क भी कर सकते हो, किसी का जो कि गैरेज वैरेज का काम रहता है पसीना वसीना आता है कुछ भी हो जाए दोस्तों प्रॉब्लम नहीं, ऑयल वॉयल भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर में एकदम, जो कि बढ़िया प्रोसीजर रहती है। फिर आपको बता दूं कि डिसएडवांटेजेस के कुछ फायदे तो नुकसान भी तो बता दें भाई स्पीड का, इसमें जो कि दोस्तों लिमिटेड हेयर लेंथ, हेयर लेंथ मतलब वो बाल नहीं रहता है एग्जैक्टली, वो तो टैटू बना हुआ रहता है तो हेयर की लेंथ का सवाल ही नहीं आता है आपको, जो कि जिंदगी भर वो लुक कैरी करना पड़ेगा। वो इतना अभी वो एटीट्यूड चाहिए कि वो लुक आप किसी लड़की को देखने जा रहे हो या फिर जो कि किसी दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी में घूम रहे हो तो जो कि आपका जो कि एनवायरमेंट है, जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड या फिर दोस्तों का बैकग्राउंड है उसमें आपका वो लुक दोस्तों ने जो कि एक्सेप्ट करना चाहिए तो भी वो प्रोसीजर तो ही अच्छी है। बाकी फिर आप कहोगे कि मैं जो कि ये देखो टैटू वैटू बना के आया हूँ और जो कुछ मेरा नया लुक, तो बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आएगा और बहुत से लोगों को आ भी सकता है। ठीक है और क्या रहता है फिर दूसरा डिसएडवांटेजेस ऐसा है कि भाई अगर बाल की लेंथ ही नहीं तो आप कोई हेयर स्टाइल भी बना नहीं सकते हो, जिंदगी भर वही हेयर स्टाइल आपको कैरी करनी पड़ेगी दोस्तों, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और जो कि है वो डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये जानने के बाद आ चुके आप प्रोसीजर करोगे नहीं क्योंकि वही हेयर स्टाइल आपको जिंदगी भर कैरी करनी है। फिर दोस्तों है कि रिटच जो कि है अगर वो ब्लर हो जाता है, बात रही भाई, क्योंकि ब्लर हो जाता है दोस्तों तो आपको उसका रीटच करना पड़ता है वहां पे जाके जो कि उसी के ऊपर जो कि है बार बार वो रंगोली निकालनी पड़ेगी, उसका बस उतना ही मेंटेनेंस है। और फिर जो कि इट कैन बी कॉस्टली, कॉस्टली हो सकता है अगर देखो दोस्तों कि आप बाहर समझो बाहर कंट्री में जाके करा रहे हो या फिर बहुत बड़े एसी वीसी स्टूडियो में जाके करा रहे हो, बट ऑब्वियस है उसमें जो कि है कॉस्ट लग सकती है, हेयर ट्रांसप्लांट के बराबर कॉस्ट लग सकती है। अभी ये इतना टैटू मैंने बनाया था ये आई बाबा साई बाबा मैंने लिखा था इसका ही दोस्तों मेरे को 2000 रुपया लग गया था, तो मैं बताता हूँ कॉस्ट आपका लग सकता है उसमें। तो अब देखो मेरा इन्फॉर्मेशन देना काम है, चूज करना आपका काम है, मैंने फायदे और नुकसान दोनों बता दिए, अभी आपकी आंखें आपका पैसा है। ठीक है और क्या बता दूं, अब ये होती कैसी प्रोसीजर, लास्ट का जो मुद्दा है ज्यादा बोलूंगा नहीं, होती कैसी है इसमें जो कि दोस्तों बाल आपको जो कि पूरा ट्रिम करना पड़ता है, जीरो ट्रिम होता है इसमें, जीरो ट्रिम करने के बाद जो कि दोस्तों आपकी स्कैल्प जो कि क्लीन की जाती है, बीटाडीन या फिर कोई सॉल्यूशन रहेगा उससे आपकी स्कैल्प जो कि क्लीन की जाएगी। उसके बाद जो कि हेयर लाइन की मार्किंग होगी, हेयर लाइन जो प्रकार की हेयर लाइन आपको जिंदगी भर रखनी है वो हेयर लाइन आप ध्यान में रखना, उसको बता के रखना कि ये हेयर लाइन मेरे को जिंदगी भर रखनी, ये हेयर लाइन बनाना है। और फिर जो कि है कुछ तो सब्सटेंस अप्लाई करते हैं, सब्सटेंस कोई लिक्विड अप्लाई करते हैं जैसे कि टॉपिकल एनेस्थेसिया रहता है उस टाइप कुछ तो भी उनका टैटू बनाने से पहले जो कि है एक इसको अप्लाई करते हैं अपने सर के ऊपर लिक्विड, जिससे कि अपने अपने को कम सेंसेशन होता है, जो कि पेन जो कि होता है वो जब वो मोटर जब जाती है तो अपने को पेन थोड़ा कम होता है वो लिक्विड लगाने के बाद, यही जो कि नॉर्मल प्रोसीजर रहती है, प्रोसीजर होने के बाद थोड़ा बहुत वो सुखाते हैं और फिर बस कुछ तो स्प्रे मार के आपको छोड़ देते हैं, आप आजाद हो, आप आजाद हो। ठीक है यही जो दोस्तों आपने जो की है नॉर्मल प्रोसीजर था, मैंने अभी अच्छे अपने वर्ड्स में बता दिया है। माइक्रोपिगमेंटेशन ऐसा बहुत बड़ा कोई सर्जरी नहीं है, खून पत्थर का काम नहीं है, एकदम इजी जाके करा के और जिंदगी भर खुश रहो। इसके दोस्तों इसके साथ मेरे वर्ड्स में खत्म करना चाहूंगा, मैंने कुछ पिक्स दिए हुए माइक्रोपिगमेंटेशन के बाद कैसे दिखते हैं, ऐसे थे फिर ऐसे हुए वो देख लेना, उससे भी आपको और अंदाजा हो जाएगा कि मैं कैसे लगूंगा माइक्रोपिगमेंटेशन के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सीड गाइस, मेरा जो कि आज का एक्सेंट थोड़ा सा अलग था, मैं सोचा कि ट्राई करके देखूं, आई होप कि आपको पसंद आया हो, मेरे थोड़े बहुत ट्राई करते रहता हूँ पब्लिक को हंसाने का, पब्लिक को एंटरटेन करने का, बस सीड गाइस का यही मकसद रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सीड गाइस वीडियो, लव यू फ्रॉम हार्ट, थैंक यू।